प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि जल्दी भारत को यूनाइटेड नेशंस में वीटो पावर मिल जाएगी, जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तान को घबराहट हो रही है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू, जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर और पत्रकार शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और नॉलेजेबल होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। आखिरकार वीटो पावर का इंतजार खत्म हो गया और वो चीन जो भारत को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से रोकता था, वीटो पावर से रोकता था, आज उसी चीन के ऊपर अमेरिका और रशिया टूट पड़े हैं और चीन भी एक कोने में रोता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ी खबर है और सोशल मीडिया पर हर चैनल पे ये आपको दिखने को मिलेगा कि भारत को जो है वीटो पावर मिलने जा रहा है, जैसे कि आपको थंबनेल से भी आइडिया हो गया होगा। और भारत को अब यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत बड़ी डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खुशखबरी। और ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसका मैं थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक लुई इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया और उसमें बताया कि एशिया के अंदर मोस्ट पावरफुल जो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंट्री है वो है इस वक्त भारत। तो भारत ने ये पॉइंट उठाया कि अगर हम तीसरे नंबर पर दुनिया में मोस्ट पावरफुल हैं तो ये इस पावर का क्या फायदा, ना तो हम यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर है और ना ही हमारे पास वीटो पावर है। अब जो है यूनाइटेड नेशन सर जोड़ के बैठ गई है, हो सकता है कि विद इन द मंथ, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बनने वाला है। डिटेल क्या है और कहते हैं ना कि कितनी बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज है, इसके लिए हमारे शो पर मौजूद है नाजिया लाई खान। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग माई शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। और दोस्त के मुंह में चंदन और दुश्मन के मुंह में भर-भर के काले, भर-भर के काले। भारत ने फिर से खुद को पहचान विश्व गुरु की दे दी। अच्छा, दे दिया है। और जिस हिसाब से अमेरिका, रूस ने भारत को वीटो मिलने के लिए जो एक फ्रेंडली, एक फेमिलियर जो सपोर्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अब ये तो एंटर कर चुका है कि भाई अमेरिका भारत के खिलाफ तो नहीं जा सकता। हाँ, एग्जैक्टली। किसी भी अदरवाइज इतनी बड़ी पावर हमारे देश को मिल रही है और सपोर्ट कौन कौन कर रहा है भाई, अमेरिका कर रहा है। तो जो लोग जैसे चाइना, जैसे पाकिस्तान, एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए, जैसे हमारे भारत के कुछ मुसलमान भी, कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन भी एक र्यूमर स्प्रेड करने की कोशिश में लगे हुए थे कि अमेरिका जो है वो धीरे धीरे अब भारत से जो है ना दुश्मनी करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये स्प्रेड और ज्यादा तब हुआ था जब अजीत डोभाल जी के लिए एक समन आया था, तब और ज्यादा वो स्प्रेड हो गया था। लेकिन मुझे शैला, मुझे ऐसा लगता है कि समन मुझे भी आया, मैं कोर्ट भी गई, लेकिन मुझे बेल मिला ना, बिकॉज आई वॉज राइट, मैं सही थी, तो मुझे दो घंटे में बेल मिला। सो द सेम थिंग इज के अजीत डोभाल जी का कहीं पर किसी ने कुछ बोला, अमेरिका ने उनको सम्मन दिया और अजीत डोभाल जी ने अपने अपने बारे में और जो उनसे पूछा गया वो उन्होंने सबमिट किया, एवरीथिंग इज क्रिस्टल एंड क्लियर एंड एवरीथिंग इज फाइन, दैट्स इट। हमारे देश में लॉ ऑलवेज टेक इट्स ओन कोर्स, हम कभी भी कानून के बीच में या कानून को सहारा बना करके या रिलीजन को सहारा बना करके हम जैसे लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी से पर्सनल ग्रजेस नहीं निकालते हैं और निकाल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें जो शिक्षा दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत खूबसूरत शिक्षा दी गई है। अब आता है, ऐसा क्या हो गया कि आपके आंखा चाइना रो पड़े? बहुत बुरा लगा। UN और UNSC जब वीटो पावर देने के लिए अग्री कर गया, साइन जो है, सिग्नेचर्स काफी सारे हो गए, 3 मिनट की स्पीच मोदी जी की, वो इतनी वार्म्थ, इतनी चार्म, इतनी ब्राइट स्पीच थी कि पूरी दुनिया वो डायस्पोरा पे
जियो पॉलिटिक्स के डायस्पोरा पे जो 3 मिनट की स्पीच जो मोदी जी ने दिया है वो मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि पूरी दुनिया सत्ते में चली गई। अच्छा। कि भाई ये आदमी किस तरह से क्रिस्टल क्लियर बात करता है और ये व्यक्ति भारत देश का ये व्यक्ति 10.5 साल में भारत देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है। आप सोचो कि यूएनएससी जो है 1945 में एस्टैब्लिश हुआ था और 1946 से लेकर के 2022 तक भारत देश में जितनी भी प्रधानमंत्री रहे और जितने भी आए और गए सबने कोशिश की कि वीटो पावर हमें मिले, हमारे देश को वीटो पावर मिले, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। लेकिन 10.5 साल में भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना खूबसूरत, इतना चार्मफुल और सारी चीजों को इतना बैलेंस लेकर के चले और इकोनॉमिकली अपने आप को जो 3rd पोजीशन पर उन्होंने पहुंचाया कि भाई यूएन भी मजबूर हो गया कि भाई इनको तो देना बनता है वीटो पावर। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा सपना इस देश का पूरा हुआ है जो आजादी के दिन से देखा जा रहा था कि भारत भी वीटो पावर का हकदार बने और वो सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा पूरा किया है। अपने आप को बहुत ही प्राउड इंडियन मुस्लिम मैं मानती हूँ। अच्छा, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, सबको पता है। एक वक्त था कि जब कांग्रेस 53-54 साल यहाँ पर शासन करती थी तो हमें छोटी से छोटी चीजें भी, टेक्निकल चीजें या डिजिटल चीजें, हमें बाहर देश से मंगवाना पड़ता था और हम ढूंढते थे अरे ये वाला बाहर विदेश का ये ब्रांड कहाँ है, कौन से मॉल में है। अब एक सिचुएशन आया है कि जब आप शैला बाहर विदेश जाइएगा तो आपको शॉपिंग मॉल में सारी चीजें मेक इन इंडिया की भी लेआउट मिलेगी। तो भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर, भारत इज हैविंग स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। अब भारत ने क्या किया है, ये बेटो जब उनको सिग्नेचर्स हो गए हैं, सारे प्रोसेस हो गए हैं, डॉक्यूमेंट के सारे प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अब रशिया और जापान को पास ओवर करके, उसको ओवरटेक करके 3rd पोजीशन पर भारत पहुंचा और जापान और रशिया और चाइना ऐसे बेचारा बच्चों की तरह रो रहा है कि भाई अब तो हम तलाक 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 ही दे देंगे, अब तो हम ना यूएन में आएंगे और ना ही इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे और ना ही डायस्पोरा पे बैठेंगे, ऐसा हो कैसे सकता है। अच्छा, हालांकि शैला ये समझने की बहुत जरूरत है कि 193 कंट्रीज का सिग्नेचर लगता है अगर किसी एक नए कंट्री को वीटो पावर मिलता है, जिसमें से 193 कंट्रीज में 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि हाँ भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए। 193 कंट्रीज वो डायस्पोरा पे थी, उस समिट पे थी और उसमें से 180 कंट्रीज ने डायरेक्ट साइन किया है कि भारत ये डिजर्व करता है और भारत को ये मिलना चाहिए। अब भारत इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बना 10.5 साल में, भाई 10.5 साल में ये मिरेकल कैसे हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं अंबानी ने मिरेकल करवा दिया, अडानी ने मिरेकल करवा दिया, नहीं भैया इन्होंने कुछ नहीं करवाया है। अच्छा। इन्होंने करवाया, बल्कि ये लोग बिजनेसमैन है, ये अपने बिजनेस को देखते हैं, इनको सरकार किसकी आ रही है और किसकी जा रही है। अभी देखो अंबानी की शादी हुई थी तो उसमें लालू प्रसाद यादव भी गया था, अखिलेश यादव भी गया था, राहुल गांधी भी गया था, मोदी जी भी गए थे। अब क्योंकि मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री है देश के तो उनको जो रिस्पेक्ट मिला डेफिनेटली वो राहुल गांधी। बिल्कुल, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है कल्याणी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है L&T कंस्ट्रक्शन से, भारत अगर स्ट्रॉन्ग हुआ है HAL से, हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड से, DRDO से, अब ये क्या है। अब लोग सोचेंगे अच्छो मोदी ये सारी कंपनीज को फेवर कर रहा है। अरे भैया ये कंपनीज हमारे फाइटर जेट्स बनाती है, ये कंपनीज साइंटिस्ट का काम करती है, ये कंपनीज जो है ये हमारे लिए, हमारे डिफेंस और मिलिट्रीज के लिए ऐसे ऐसे गैजेट्स बनाती है और ऐसी ऐसी चीजें बनाती है जो विदेश पे बोलता है कि आप इनको भेजो और मेरे लिए भी बनवा दो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जब हमारा रफाइल आ रहा था
तो उसका प्रमोशन, उसका ब्रांड एम्बेसडर, उसका प्रचार हमारे मोदी जी ने किया था, जिस पर हमने एक डिस्कशन भी किया था। हम क्यों बुलाएंगे किसी एक्ट्रेस को, हम क्यों बुलाएंगे किसी एक्टर को? भाई मोदी जी आदरणीय प्रधानमंत्री खुद एक बहुत बड़े इस देश और इस दुनिया के ब्रांड एम्बेसडर है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िला खान जी का दमदार, बेबाक और नॉलेजेबल रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।